हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि मीट के लिए बेस्ट बुक्स कौन सा है, तो आज हम इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से बुक्स आपको करना चाहिए, कौन कौन से मटेरियल्स आपको सॉल्व करने चाहिए या फिर कौन कौन से आपको नहीं करने चाहिए। सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभम, ये फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ अवस्थर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नीट एस्पिरेंट का मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स से, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि लेफ्ट साइड में जो है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए और राइट साइड में जो है वो आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन बुक्स ये बुक्स अच्छे नहीं है। देखिए, मेरे कोई इतना नॉलेज नहीं है कि इतने इनके जैसे बड़े बड़े ऑथर का बुक को मैं इग्नोर करने को बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए, नीट एक ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आप पहले आपको इनको इनके ऊपर 100% नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनके ऊपर आपको पूरा नॉलेज है फिर जाके आप इनको सॉल्व करो, वरना अगर आप इनसे ही स्टार्ट करोगे तो आपका पूरा सिस्टम ही जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से आपको मेन करने हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, ठीक है। NCERT में NCERT के इंटेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, एक्सरसाइज के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में आता है, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। तो ये तीन आपको सबसे पहले आपको करना है, ठीक है, कोई भी चैप्टर करने के शुरू करने के बाद। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कोई भी बुक ले सकते हो, बस इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि 10-15 ईयर्स ऐसे आपको नहीं लेना है, पूरे आपको लेना है 1988 से लेकर जब से आप मेनली आपका नीट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब से लेकर आज तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट एक सबसे बड़ा जो डाउट रहता है वो है मॉड्यूल्स का। देखिए, अगर आप मॉड्यूल्स कर रहे हो तो सारे को करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल्स में लेवल वाइज रहता है, मैंने जितना देखा है, लेवल 1 लेवल 2। आप लेवल 1 करो और लेवल 2 में जो जो आए, ठीक है, जो जो आप कर सकते हो वो उनको आप सॉल्व करो, मॉड्यूल को करो। या फिर आप एक इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो, मतलब MRSR का एक बुक आता है NCERT 5 करके, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी मैंने सॉल्व किया है। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक चूज़ करने कर सकते हो, दोनों आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि फिजिक्स मैथ इजी आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं, ठीक है। ये बुक्स मेनली आपका हैंड रिटन नोट्स है, तो अगर आप नोट्स बनाएं, देखें आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है, काफ़ी लोग आपके खुद के नोट से भी पढ़ नहीं पाते, मैंने देखा है ऐसे भी, तो वो आपको ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स मैथ इजी बुक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपका मतलब MRSR के जो नोट्स होते हैं वही आपको हैंड रिटन मतलब फॉन्ट में लिखा रहता है, ठीक है। तो इसे आपको खरीद भी सकते हो, अगर खरीदना नहीं चाहते तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये फ्री मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जितने सारे हैं, पहले आपको ये अगर आप 100% कर लिया तभी जाके आप इनको सॉल्व कर सकते हो, जैसे सेंगे, देसी वर्मा, डीसी बंडे, ये आप जितना करोगे उतना आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन शुरू में ही इनसे स्टार्ट मत करना। और CP सिंह आपको बोर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बोर्ड्स के लिए अगर आप पढ़ना अलग से पढ़ना चाहते हो तो CP सिंह एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स मतलब डेरिवेशन सब अच्छे से रहते हैं। तो ये कि आपका फिजिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में भी सेम NCERT का, ये आपको कहीं भी इग्नोर नहीं करना है, NCERT और PYQ, ठीक है। नेक्स्ट जो बुक आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो है आपके MTG का फिंगर टिप्स, मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट बुक्स आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए केमिस्ट्री के लिए और कोई नहीं हो सकता। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है, मैंने मुझे एक भी पैसा नहीं मिला, मैंने जो सॉल्व किया है जो मुझे अच्छा लगा यूज़फुल लगा, ठीक है, वही आपको मैं बता रहा हूँ। और एक मैं बोनस टिप अगर मैं देना चाहूँगा आपको कि आप केमिस्ट्री के लिए जो है ना JEE मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर लो, सारे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर आप नीट 2025 देने वाले हो तो JEE मेन PYQ आप करो 22, 23, 24 और 25, ये करो, आपका मोर देन एनफ है, मतलब इससे आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मैंने देखा है, ठीक है। मेरे पास लास्ट के एक महीने मतलब अप्रैल के महीने में टाइम था, तब मैंने क्या किया, JEE मेन के जो PYQ है केमिस्ट्री को लेके 2-3 साल का, उसको सॉल्व किया था, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिला। केमिस्ट्री मेरा पहले सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है, तो एंड में जाके उसमें ही सबसे ज़्यादा मेरा मार्क्स आए, ठीक है। तो इसमें इसके भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे मैंने पढ़ाए, तो आप जाके देख सकते हो, आई बटन पर दिया हुआ है। और सेम यहाँ पे भी सेम बात है, आप पहले इनको करिए फिर जाके इनको, अगर आपके पास टाइम रहे तो इनको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, शुरू से आपको ये नहीं करना है। और बायोलॉजी के लिए आपको बहुत इजी है, बायोलॉजी के लिए अगर आपको NCERT का मेन टेक्स्ट बुक A to Z अगर आपका याद रहे तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक ठान लो, ठीक है। आप जितनी बार हो सके NCERT के मेन टेक्स्ट बुक को उतना ज़्यादा बार करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर करो, ये तो कॉमन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आप मुझे पूछो कि बेस्ट बुक कौन सा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लो,
एनसीईआरटी गियर अप या फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स आपका एमटीजी का आता है, और एनसीईआरटी गियर अप ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता लेकिन मैंने यूज़ किया है, ये डॉक्टर पार्थ गोयल का बुक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टेट मतलब स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, नेक्स्ट इनकरेक्ट करेक्ट कौन सा है या फिर मैचिंग वगैरह हो, कोई भी हो, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी के लिए आप कौन से बुक को इग्नोर कीजिए, एनी बुक विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के बाहर अगर आपका कोई क्वेश्चन मिल जाए उनको आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि प्योरली आपका एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो इसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि कौन कौन सा आपको करना चाहिए, करना नहीं या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल्स के बारे में बता दूं तो केमिस्ट्री का अगर आपके पास टाइम रहे तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इससे इतने से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना ही मेनली फॉलो किया था। तो और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर फोन पे भी बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।